सर ये बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था सर, इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज। बुड्ढा मना कर रहा है। ए बुड्ढे, हम तेरे माँ बाप जैसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ दे, छोड़ दे। कीड़ा पड़ से तेरा मोड़ा। कीड़े पड़ भी गए तो क्या, पढ़ने दो, 50 करोड़ का मामला है। ला, ले साइन कर इस पर और सारी प्रॉपर्टी और पैसे मेरे नाम कर दे। ये पैसे तेरे नहीं है, वृंदावन में विधवा आश्रम के 25 करोड़ दूंगा और बाकी के 25 करोड़ मैं मथुरा के आश्रम में दूंगा, समझा? ये पैसे तेरे नहीं। अरे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो तुम दोनों की यहाँ से आज लाश निकलेगी। जा, जा, तेरे को जो कर रहा है कर, मैं मौत से नहीं डरता और वैसे भी मुझे मरना है। तू डरने। अरे अपनी नहीं तो अपनी बेटी और जमाई की तो फिक्र कर। तू मेरे जमाई को कुछ नहीं कर सकता है, समझा? ए, लेकर आज के जमाई को अपनी आंखों से देखना, मार मार कर क्या हाल कर दिया उसका। अगर आज साइन नहीं किए तो उसको आज जान से मार देंगे। पापा मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन इन लोगों की बात मत मानना पापा। तू साइन कर इस पर। ये पैसे गरीबों के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझा? लगता है तेरी बेटी की लाश दिखाएंगे तब मानेगा तू। तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकता, जा, तेरे को जो जी में आया वो कर। ए, लेकर आओ उसकी बेटी को भी। मेरे से इस बच्चे का हाल देखा नहीं जा रहा है, 3-4 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके माँ बाप कहाँ गए। अच्छा एक मिनट पूर्वी, बच्चों को जरा पीछे लेकर जाओ। आ जाओ। एक बात बताओ, 4 दिन हो गए इसके माता पिता गायब है, पुलिस के पास गए थे तुम? गया था ना सर, पुलिस को भी सब बताया, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं अजय और भाभी जी को। वो तो अचानक बच्चा घर से बाहर निकल गया, कहने लगा दया सर आए हैं तो ठीक है। तो बताओ क्या बताया पुलिस ने? सर प्लीज आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा ना,
इंस्पेक्टर संदीप पांडे आपका इंतजार कर रहे हैं शांति धर्मशाला में। सही है, शांति धर्मशाला चलो। यार ऋषि एक बात बताओ जी, वो बच्चे के माँ बाप अपना बच्चा छोड़ के आपके पास क्यों रख के गए, अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सर अजय मेरे बचपन का दोस्त है सर, वो मुझे बोला कि यार ऋषि मेरे सास ससुर मथुरा गए थे यात्रा पे, वहाँ जाकर कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं, तू थोड़े दिन के लिए मेरे बेटे को अपने पास रख ले, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बस सर, फिर वो यहाँ आया और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया और सर क्या मालूम कहाँ चला गया। सर, सर मैं इंस्पेक्टर संदीप पांडे। अभिजीत पांडे जी बताओ क्या पता चला। सर बच्चे के माँ बाप यहीं ठहरे हुए थे तो मैंने वो कमरा भी देख लिया है जहाँ वो ठहरे हुए थे। अच्छा यार पांडे जी ये बताओ कि जो बालक के माँ बाप हैं वो इसी धर्मशाला में आके क्यों ठहरे। सर यही बात मेरे दिमाग में भी टकराई, सो मैंने यहाँ सूंगा सांगी की पता चला कि बच्चे के नाना नानी भी यहीं पर ठहरे हुए थे और वो भी यहीं से गायब हुए। यहीं से गायब हुए सर, तो कोई गहरा राज छुपा है किसी धर्मशाला में। जी सर। चलो कमरा दिखाओ। आइए सर। एक मिनट, ये धर्मशाला है, इसको क्यों बदनाम कर रहे हो? बदनाम नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ चल रही है। अरे सर, सर सर उस तरफ वहां पर। इधर है सर, आइए। चलो चलो। सर यही है वो कमरा। अच्छा हुआ? बचाओ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बचाओ, मेरे मम्मी पापा को बचा लो। किसे बचाओ, किसे बचा लो? क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा को बांध के रखा है, मैंने जान से मार देंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये मथुरा है मथुरा। मेरे मम्मी पापा उधर बांध के रखा है, आप चलिए। कहीं फंसा तो नहीं रही हो तुम? नहीं नहीं, आप चलिए ना प्लीज। और कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे मम्मी पापा, आप चलिए ना प्लीज उधर। अरे हाँ हाँ ठीक है, चलो 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 बेटी, चलो हटो ऊपर आइए।
हाँ ठीक है, चलो 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 देखते हैं, चलो उस तरफ चलो चलो चलो। आइए आइए सब जल्दी करिए। कहाँ पर? यहाँ यहाँ पे आइए। अच्छा चलिए चलिए चलो चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। या इस तरफ आइए। कहाँ है बताइए? इधर इस तरफ। या किधर है? या आइए इधर। आइए इधर ही आइए। या जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज। आइए आइए आप, यही घर है वो जहाँ मुझे बांध के रखा था। मालूम है ये किसका घर है? दस बार सोच लो पहले क्या बोल रही हो। मैं जानती हूँ ये त्रिपाठी जी का घर है, बहुत जाने माने आदमी है, ना कि गुंडे माँ वाली। आप अंदर चल के देखिए ना, वो कमरा वो कुर्सी जहाँ मुझे बांध के रखा था, आप चलिए ना। मथुरा का नाम खराब कर रही है ये लड़की। नहीं, कहाँ से आई हो? वो सूरत नीच हूँ, अपने मम्मी पापा को ढूंढने आई हूँ। भैया आपके मम्मी पापा? मने खबर न थी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों फंसा रही हैं हमें? आप एक बार अंदर चल के देखिए ना, मैं इसी घर के छत से कूद के दूसरे घर से भागी हूँ, प्लीज आप एक बार चल के देखिए ना। जाओ देखो। त्रिपाठी जी। नमस्ते। नमस्कार, आओ भैया, कौन है आप लोग? त्रिपाठी जी, लड़की कह रही है कि आपने इसको अपने घर में बांध के रखा था। किसको? इसको। इस लड़की को? जी। हमने तुम्हें अपने घर में बंद करके रखा था? हाँ, ये घर आपका ही है ना, और अंदर दो गुंडे भी हैं। देखिए दो गुंडे हैं अंदर। क्या हुआ? ये लड़की कह रही है कि हमने इसे अपने घर में बांध के रखा है। बेटा हमें बदनाम ना करो। हमने भी वही कहा इनसे कि त्रिपाठी जी का नाम खराब ना करो, वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है। आप सब अंदर चल के देखिए प्लीज, चलिए प्लीज। अरे अरे काय हो भैया, आप सब जानो ना हमें, इस घर में हम 50 साल से रहते हैं, क्या ना किया जा सर के लिए हमने। कौन हो तुम, क्यों बदनाम करी हो हमारे पिताजी को? ये बदनामी है, देखिए मेरे हाथों को, देखिए कितनी बेरहमी से बांध के रखा था। ऐसे नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। आप इनकी बातों में मत आइए, मेरे पति को भी अंदर बांध के रखा है। मारा पति ने पर बचा भी ले जाओ। त्रिपाठी जी, ये लड़की कह रही है कि आपने इसके पति को अंदर बंद करके रखा है, क्यों ना एक बार देख लिया जाए, हमारी इज्जत का सवाल है। देखो भैया, यदि ये लड़की कह रही है तो आइए, ये आप ही का घर है। आप बोलोगे आइए। चलो। आइए इस तरफ, यही वो कमरा है जहाँ मुझे बांध के रखा था, यहाँ पे। हाँ, यहीं पे तो थी कुर्सी, और मैंने रस्सियां यहाँ पे फेंकी थी। तो कहाँ है? यहाँ पे एक पेंटिंग भी थी, सनसेट की पेंटिंग। और यहाँ पे मैं सच कह रही हूँ, पेंटिंग यहीं पे थी, मैंने खुद देखी थी, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन यहाँ पे कभी कोई पेंटिंग थी ही नहीं। थी, मैंने खुद देखा है, यहाँ पेंटिंग थी। भैया देख लो पूरे में, कहाँ है इनके पति, छान लो पूरे में, है ना, तो कहीं दिखना रहे। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे इसी कमरे में बांध के रखा था, मैं यहीं से भागी थी, मेरा विश्वास कीजिए, इसी कमरे से भागी थी मैं। त्रिपाठी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक किया, और वो भी इनके कहने पर। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में यहीं थी, इसी कमरे में थी।
आप में से कोई मुझे अपना मोबाइल देगा प्लीज, मुझे मेरे बेटे से बात करनी है, वो रो रहा होगा, 3 दिनों से हमें यहाँ बंद करके रखा है, मेरा बेटा। अरे कुछ नहीं मिला ना, मैं पहले कह रहा था सर, ये धर्मशाला है, यहाँ पर रोज नए नए लोग आते हैं, ठहरते और दूसरे दिन चले जाते हैं। देखो जी, वो लोग गायब तो यहीं से हुए हैं ना? अरे सर गायब नहीं हुए हैं, वो अपना सामान लेके गए हैं और चल के गए हैं। सर इनको अपनी पड़ी है, मगर नाना नानी को यहाँ से एक आदमी बुला कर लेकर गया और वही आदमी उनका सामान भी लेकर गया। सुन लिया? अरे सर ये तो पुलिस वाले हैं, कोई भी कहानी बनाते हैं सर। अरे पुलिस वाले को गाली दे रहा है? दुबे जी पहले दोनों गायब हुए, उसके बाद जब उनके बेटी और दामाद जब उनको पूछते पूछते यहाँ आए तो उनको भी एक आदमी बुला कर लेकर गया। सर ये वही आदमी है जो नाना नानी को लेकर गया। और सर अजय ने मुझे इसी जगह से फोन किया था। हेलो भाभी जी, भाभी जी आप ठीक तो हो ना? मम्मी मम्मी, भाभी जी आप कहाँ पे हो? कहाँ पे? ये छत्ता बाजार का है, यही पास में। मम्मी मम्मी मुझे आपके पास जाना है मम्मी। भाभी जी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था, वो किसी तरीके से उनके पंजों से निकल के बाहर आई है, छत्ता बाजार में है सर। और उनके पति? उनको तो छुड़ाना है सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज सर चलिए। आइए सर। अरे तुमने ये बढ़िया ना करो, अरे बाजार में हल्ला मचायो, त्रिपाठी जी के घर के अंदर जावे को हमें मजबूर कर दियो। अरे तुम तो चली जाएंगी यहाँ से, त्रिपाठी जी हम लोगों को जीनो हराम कर देंगे, जीनो हराम। त्रिपाठी जी का नाम खराब करके आपको क्या मिला? मैं एक बार नहीं बार बार यही कहूंगी कि त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो? विश्वास कीजिए मेरा, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। लेके चलो इनको पुलिस के पास। चलिए भाई साहब, मैं तो खुद पुलिस के पास जाना चाहती थी, चलिए अभी चलिए। भाभी जी मेरा बेटा, ऋषि भैया देखिए ना क्या हो रहा है, मम्मी मुझे इस घर में बंद करके रखा था। क्या हो रहा है भाभी जी आप बताइए ना, बताइए ना। मुझे इसी घर में किडनैप करके रखा था, यही किडनैप करके रखा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं 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 मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में इसी घर में थी, 3 दिन से यहाँ पे किडनैप थी। मेरे पति कहाँ है ऋषि भैया, बताइए ना। भाभी जी वो भी नहीं मिल रहे, सुना सर आपने? भाभी जी ये लोग CID से है। ये घर किसका है? साहब ये त्रिपाठी जी का घर है। अभिजीत दरवाजा खटखटाओ। हम इस लड़की के साथ अंदर गए थे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 2 गुंडे भी थे। अगर 2 गुंडे थे तो कहाँ गए, मिले क्यों नहीं वो 2 गुंडे? कौन है आप लोग? हम लोग CID से हैं। हम इनको ढूंढ रहे थे, ये 3-4 दिनों से गायब थी। अब देख रहे हैं इनका बच्चा किसर किसर हो रहा है। देखिए ये कह रही है कि ये इस घर में बंद थी, इसे यहाँ इस घर में बंद करके रखा गया था। इस लड़की ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है, भीड़ इकट्ठी कर ली है इसने, मेरे घर का कोना कोना देख लिया। और अब आप लोग? हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आइए, आप ही का घर है। आप लोग यही खड़े रहिए, कोई अंदर नहीं आएगा, हम लोग देखते हैं प्लीज। त्रिपाठी जी सर एक बात बताइए। क्या असली बात क्या है? सरकार इस लड़की से पूछिए, इसी ने हल्ला मचा रखा है। सर अब तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, ऐसा हल कर दिया इन्होंने। और मेरा जो हल किया है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ कहाँ पे बंद कर रखा था आपको? सर सर वो ऊपर वाले कमरे में, वहां पे। अभिजीत एक मिनट, मुझे लगता है त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो सुभद्रा, कभी कभी आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, जो सच होता है वो सच नहीं लगता और जो सच नहीं है वो सच लगने लगता है। ऋषि भैया ये किन को लेके आए आप? ये CID है, ये तो आते ही इनके साथ मिलकर। सर वो हम लोगों की लुटिया डूब जाएगी सर, क्या कर रहे हैं? अरे कैसी लुटिया, कौन सी लुटिया?
हमारी बाकी भी जिम्मेदारियां होती है। किसी के घर में घुसकर उसकी इज्जत पर हम डाका नहीं डाल सकते। फिर भी सर एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। दया, मैंने कहा ना, त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं। ये त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं। मुझे अपने घर में बांध के रखा, आपने उसी से माफी मांग ली। मथुरा शहर का ऐसा जाना माना आदमी इतना घिनौना काम करेगा? एक औरत को अपने घर में बंद करके रखेगा, जिस घर में उसकी खुद की बहू बेटी है, बेटा है, पत्नी है, करेगा वो? तुम ही बताओ, करेगा? फिर उसने ऐसा किया क्यों? यही तो पता लगाना है ना हमें कि क्यों किया उसने ऐसा। वैसे उसके घर में सभी के चेहरे बुझे हुए हैं। एक बात बताओ, तुम वहां पहुंची कैसे? सर, मैं तो धर्मशाला में सो रही थी, जब आँख खुली तो देखा कि मैं कमरे में बंद हूँ। सर, अब इनके पति और मम्मी पापा का कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। लगता है इसी वजह आपने कुछ चक्कर चला लिया है। लग तो रहा है। हाँ सचिन, तुम आ गए? और पंकज? ओके। सर, अब आगे चलिए। मैं द्वारकाधीश मंदिर में ना थोड़ी देर पूजा करके आता हूँ। पूजा करो और काम भी करो। काम भी करो? क्या क्या करो? सर, क्या बात है बेटा, बहुत दिन बाद आई हो। घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। दादा 3-4 दिन से दिखे नहीं है। दादा दादी भी ठीक है। कितने पैसे हुए? सामान ले जाओ, पैसे आ जाएंगे। ठीक है। माफ करना बेटा, मैं उठा देती हूँ ना। जमीन का गिरा हुआ हम लोग नहीं खाएंगे, माँ डांटेंगी मुझे। तो मैं दूसरा खरीद देती हूँ। दूसरों की चीज हम लोग नहीं लेंगे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी खाली हाथ। तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ना ना, आप मत चलना। क्यों, घर में कोई है? घर में कोई है ना? देखो बेटा, पहचानो मुझे, मैं कल तुम्हारे घर आई थी, याद आया? अब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, जो भी कुछ है सच सच बताओ। आप सच में हमारी हेल्प करेंगे? हाँ हाँ, हम सच में तुम्हारी हेल्प करेंगे। दो बदमाश घर में घुसे हुए हैं, उन्होंने एक कमरे में दादा दादी को कैद किया हुआ है। वो लोग भी घर में ही थे? हाँ। अच्छा, वो जो औरत थी, क्या वो भी घर में कैद थी? हाँ। तो तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? वो मेरा भाई हैदराबाद में पढ़ता है, उन लोगों ने उसे वहाँ पर पकड़ रखा है, और वहाँ से डेली एक फोन आता है, बोलते हैं अगर हमने पुलिस को या किसी और को भी बताया तो वो उसे मार डालेंगे। ना तुम्हारे भाई को कुछ होगा, ना तुम्हारे मम्मी डैडी को, और ना ही किसी और को। सच? सच। अब CID आ गई, हम लोग अपनी जान दे देंगे पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो जो फोन तुम्हें हैदराबाद से आता था, वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। अरे शाह साहब, आप नाराज मत होइए, मैं तो बस ऐसे ही फोन किया था पूछने के लिए कि कैसे हैं, सब ठीक तो है कि नहीं। हाँ सब बढ़िया। हाँ हाँ जी, हाँ। अच्छा सर, सर ये इसको फोन कर रहा हूँ सर, आधे से ज्यादा हो गया है। वेरी गुड। दुबे जी। जी सर। अब देखो हम तुम्हारे धर्मशाला में क्या क्या गुल खिलाते हैं। क्या हुआ सर? पिछले 4 दिनों में कितने लोग कह रहे थे बताएं? सर 120 के करीब सर। 120 के 120 लोगों के फोन नंबर निकाल लिए हमने। अरे सर, इसमें कौन सा बड़ा तीर बार लिया? आधे से ज्यादा नंबर तो मैंने ही दिए सर आपको। आप कुछ नंबर्स आपने दिए थे, बाकी के हमने मोबाइल फोन कंपनी से निकाले। ओ सर, आपके हैदराबाद वाले दोस्त ACP नागेश राव से। नागेश,
हाँ एसीपी प्रद्युमन। हाँ 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 मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? अच्छा देख, हाँ मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। हाँ हम लोग एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। अच्छा एक काम है सुन पहले। हाँ एक हैदराबाद का आदमी है, तंग करता है, फोन करता है। उसका फोन नंबर है 1657943703। हाँ किडनैपिंग का केस है। हाँ किडनैपिंग का। सुन अगर ये तुझे मिल जाए ना तो पहले इसकी टांगे तोड़ना, फिर उसके हाथ तोड़ना और फिर गर्दन पकड़कर मेरे से बात करवाना। हाँ ओके। हाँ चल मिलते हैं। लेकिन देखिए किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए मुझे। हाँ एक फैमिली को तंग करके रखा है। हाँ चल बाय। दुबे जी। जी सर। उन चार दिनों में जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे थे ना, जी जी, सबसे बात हो रही है, किसी को छोड़ने वाले नहीं हम लोग। हेलो हेलो। अरे सर लिस्ट पर लगभग सब लोगों से बात हो गई सर। सब लोग अच्छे और शरीफ घर के लोग लग रहे हैं, मगर ये सर, इसको मैंने 10 बार फोन किया सर, लेकिन ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। कहीं यही तो अपना बंदा नहीं है? यही हो सकता है अभिजीत। पता लगाओ, पता लगाओ इस वक्त ये नंबर है कहाँ पर। ओके सर। सर अगर मथुरा में हुआ तो चांदी हो जाएगी। सर जो गुंडा मुझे धमका रहा था उसे देखते ही लगा कि उसका चेहरा जाना पहचाना सा है। शायद वो भी धर्मशाला में ही ठहरा हुआ था, लेकिन उस आदमी को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मथुरा में यात्रा करने आया है। उसका चेहरा तो याद होगा तुम्हें? हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना याद आता है आप उसका चेहरा बनवा दो। हाँ मथुरा में से कोई आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे, उससे स्केच बनवा लेंगे। हेलो यस पंकज यार। अब जी हाँ वो क्या पता चला? अच्छा अच्छा ओके थैंक यू सर। वो आदमी सूरत से सर। सूरत से? सर हम भी सूरत से आए हैं। कोई आपके पीछे सूरत से ही लगा हुआ था सर? वो बदमाश अभी तक मथुरा में ही है सर, यहाँ पास में विश्राम बाजार में। अच्छा तो लपेट लो, लपेट लो उसे। हाँ हम लोग विश्राम बाजार पहुंच गए। हाँ वो आदमी अभी भी है इधर। ठीक है ओके अभिजीत। हाँ वो आदमी अभी भी इधर ही ए मार्केट में ही है। इस आदमी का चेहरा देखा पहले? नहीं मैंने नहीं देखा है। आदमी यही कहीं है, आपने देखा इसे? कहीं तो यहाँ पे आते जाते देखो है साहब, 2-3 दिन से। अच्छा कहाँ पे देखा इसे, कहाँ जाते हो? सामने धर्मशाला है साहब, यहीं पे ठहरो है। सामने? हाँ साहब। थैंक यू थैंक यू। अरे सुनो। जी भाई साहब सामान कहाँ है आपका? सामान आ रहा है, कमरा है आपके पास? कमरा है पर एक ही है भाई साहब, आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। एक गद्दा मैं डलवा दूंगा और ये टॉयलेट है उसमें एक बाल्टी पानी भी डलवा दूंगा। बाल्टी वाल्टी छोड़ो, ये देखो इस आदमी को देखा? हाँ। कहाँ देखा? पहले वाले रूम में। हाँ गन निकाल दी, गन निकाल दी, अरे भागो गन निकाल दी। अरे यार जब कोई घर है चुप रहे चुप रहे। ए भाई साहब ये बाइक दो। कौन है आप लोग? अरे भाई मैं इसकी आईडी से हूँ। अरे जल्दी दे यार। अरे क्या कर? मैं इधर से।
गाल, गाल मैं टेकाल। हैं, छोड़, छोड़, और तू, छोड़ बड़ी छोड़, कौन है, छोड़। अरे 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 भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? होश आया, हैं? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, एक औरत को किडनैप किया, उसके बूढ़े माँ बाप को किडनैप किया और उसके पति को भी बंधक बना के रखा, ऊपर से हमें आके दिखा रहे तुम? ये क्या बकवास है? बकवास है ये? बोल कौन हूं मैं? पीआईडी। सूरत से पीछा कर रहा था ना उस लड़की के माँ बाप का? बोल। साहब सूरत में हमको बोला था कि गुड्डा बुड्डी का पीछा करना है और मथुरा में ले जाके उन्हें पढ़ाना है। मथुरा में घर का इंतजाम कर रखा है, वहाँ ले जाके उन्हें छुपाना है। अच्छा क्या करने के वाले थे छुपा के बुड्ढा बुड्ढी को तुम लोग? हाँ बोला हर रोज मारने। डेरी बुजुर्गों पे हाथ उठाते हो? हाँ किसने बोला था? हाँ किसने बोला था बुड्ढा बुड्ढी को उड़ा ले? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे बॉस को मालूम है साहब। बॉस कौन है, कौन है तेरा बॉस? वीडियो कॉल आने ही वाला है, हैदराबाद वाला। सर पकड़ा गया वो आदमी जो हैदराबाद से फोन करके परेशान करा था? और नहीं तो क्या। अरे इसी भी नागेश राव है, वो होशियार आदमी है, दोस्त है अपना। आ रहे सर, आ रहे। आया ले प्रतुमन, ये रहा तेरा आदमी। और बॉस ने मुझे बोला था कि त्रिपाठी के लड़के को पकड़ ले और हर रोज उसके घर फोन करते रहना। कौन है तेरा बॉस? कौन है तेरा बॉस? ये अजय जवाई बापू सरवाइव के माँ बाप को भी किडनैप कर लिया है। कहाँ पे तेरा बॉस? जी पुरानी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। पुरानी धर्मशाला? अरे घर बंद है, ताला लगा हुआ है। हाँ सर, लगता है बच्ची उड़ गया। साथ में नाना नानी को भी लेकर गया, मगर कहाँ तक जाएगा देखते हैं। ये क्या है? अजय, ये अजय है। मगर बॉस को ही किसी ने मार दिया सर। दया, आ दया, बताया उसने बच्चे के नाना नानी को कहां पर लेकर गए? कहां? यमुना के पार जंगल में। अबे जल्दी जल्दी करो बे, बुड्ढा बुड्ढी जल्दी से मरने वाले हैं। मत मारो, अबे मत मारो बे। तुम जो कहेगा वो मैं करूंगा, तुम जहां बोलोगे वहां पे मैं साइन करूंगा। मत मारो मैं। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगा? हाँ सारी की सारी प्रॉपर्टी, पूरे 50 करोड़ देगा।
कहना सब ले लो। सब कुछ ले लो, हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। ये प्रॉपर्टी और पैसा मथुरा और वृंदावन के आश्रमों को दान तो नहीं करेगा ना? नहीं करूंगा। अभिजीत, दया, वो गुंडे हाथ से निकल नहीं पाए। सर पहले उन बूढ़े माँ बाप को ढूंढ लेते हैं। अब तो उन गुंडों का क्या हाल होगा, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो, हमारे बच्चों को क्यों पकड़ के रखा है? चलो छोड़ देंगे। साइन कर। भगवान। उधर घर जैसे, चलो देखते हैं। देख, अब तो छूट में मैंने साइन कर लिए। ये हुई ना बात। अब तो सब कुछ दे दिया, तो मैं साइन भी कर दी। खबर तैयार है। किसकी कमर? अरे तुम दोनों की कमर। अब तो सारे पैसे भी दे दिए। हाँ, पैसे तो दिए, खेल खत्म। अब बचा ही क्या है तुम लोगों के पास? नहीं, और भी है। अरे जब मौत सामने आई तो पैसा बाहर निकलने लगा। अरे सुन मुझे, तेरे जवाई को तो मार दिया हमने। मार दिया। अब तू भी जा। तुम्हारे पैर पड़ते हैं, मत मारो प्लीज। पहले मर फिर पैर पड़ना। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। अरे उठिए, घबराइए मत। मैं सीआईडी से हूँ, इससे भी बुद्धिमान। आपकी बेटी सेफ है, बिल्कुल सेफ है, और आपका पोता भी ठीक ठाक है और हमारे साथ है। 50 करोड़ रुपए अकेले अकेले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, उसके बाद इन दोनों को ही मार देगा तू। क्या कह रहा है इधर? अकेली दैट कौन है? ऋषि ऋषि ओ ऋषि अस्तीन का सांप। अजय को ढूंढते मुझे पता चला कि अजय ही था जिसने अपनी वाइफ को किडनैप किया था।
और बच्चे को छोड़ गए मेरे पास। मैंने कहा वाह भाई वाह, सास ससुर का सारा पैसा अकेला तू खा जाएगा। बस प्लान बन गया मेरा, चुपके से अजय को मरवा दिया। बुड्ढे जी सारी प्रॉपर्टी संस्था के नाम करवा ली, किसी को भी नहीं पता है कि उसका मालिक मैं हूं। प्रॉपर्टी मिली मेरी संस्था को और गालियां मिली अजय को। पता नहीं तुम लोग कहां से आ गए बीच में। चलो हम सब ये पैसा आपस में बांट लेते। क्यों नहीं, अच्छा आइडिया यार। हाँ 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 बिल्कुल है ना। चल मेरा हिस्सा तू ही रख ले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।